कानपुर में एक और भ्रष्टाचारी कर रहा है भ्रष्टाचार। मरे हुए आदमी को जिंदा कर करवा रहा है सालों से हस्ताक्षर और लूट रहा है अपनी ग्राम सभा में सरकारी धन और कर रहा है दबंगई। प्रशासन को खबर ही नहीं। खबर सुल्तानपुर से है जहां दिनांक 18 अगस्त 2020 को एक ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा दादूपुर का है। यहां के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान शाहिद अंसारी पर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान पंचायत सदस्यों की फर्जी साइन बनाकर प्रस्ताव कराकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही प्रधान पर अनुसूचित जाति के गरीब किसान की जमीन हड़पने का आरोप भी लगा है। DPRO ने इस मामले की जाँच के आदेश भी दे दिए। बताते चले कि मामला दादूपुर ग्राम सभा के अनुसूचित जाति के दयाराम गौतम ने बताया कि हम दयाराम गौतम जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, हमारी जमीन जो नौ विश्वास लिए हैं बैनामा अपने लड़के के नाम से कर्जा उधार काढ़ के उसको ग्राम सभा के प्रधान जबरन कब्जा करके उस पे दीवार उठा लिए हैं। शाहिद अंसारी प्रधान वो जमीन को बार बार कह रहे हैं मुझे दे दो, नहीं देने पर वो जो है हमारी जमीन पे दीवार उठाकर घिरा लिए हैं। बगल वाले से 5 लाख रुपया लेके, देवमणि से 5 लाख रुपया लेके उसी को कब्जा करके दे रहे हैं। देवमणि अनुसूचित जात का है, वहीं बगल उसका वो भी सहखातेदार है हमारा, उसको 5 लाख रुपया लेके उसको कब्जा करके उसको जमीन दे रहे हैं। और वहाँ पर छान छप्पर खूंटा और जो है बहुत मतलब अवैध निर्माण किया जा रहा है और वहाँ पर जगह जगह पर सर सामान फेंक कर ताकि कोई आने जाने ना पावे। लेखपाल से कहने पर लेखपाल नायब तहसीलदार और कानून गो कोई सुन नहीं रहा, कह रहा कोई बड़ा अधिकारी लेके आओ तो तुम्हारी जमीन को पैमाइश करेंगे। SDM साहब के यहाँ किए थे, SDM साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उन्होंने दीवार घेरने से रोका जरूर था लेकिन वो पैसा कौड़ी देकर फिर से घेराना शुरू कर दिया है और घिरा डाला है पूरी जमीन। जी सर, नहीं सर, हमारी जमीन नपवा कर निकलवा दिया जाए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। वहीं इसी ग्राम सभा के ग्राम पंचायत सदस्य मनमोहन सिंह ने बताया। मनमोहन सिंह, क्या प्रकरण है आपका? हम लोग ग्राम सभा दादूपुर के, हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं। हमारे गांव के प्रधान शाहिद अंसारी हैं जो कि पिछले 5 साल से, पूरा 5 साल होने वाला है आज तक, जो भी जो है उन्होंने प्रस्ताव किया है उस पर जो है ग्राम पंचायत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाते चले आ रहे हैं। यहां तक कि हमारे गांव में एक आदमी राम बहादुर है जो कि जात का अनुसूचित जात था, वो 10-15 साल पहले मृतक हो चुका है, उसका भी वो प्रस्ताव पर हर जगह हस्ताक्षर करके देते चले आ रहे हैं, जिसकी शिकायत जो है मैंने BDO के यहाँ, SDM के यहाँ और उसके साथ साथ मैंने DPRO को पिछले महीने में कई सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा दिया गया कि हम लोग जो है शपथ पत्र दे करके जो है DPO की इनकी जांच कराई जाए और जो इन्होंने जितना जो है कार्य किया है सबका जो है फोटो स्टेट कॉपी या मतलब हम लोग देखें कहाँ कहाँ इन लोग इन्होंने फर्जी दस्तखत कर दिया है, किस किस प्रस्ताव पर जो है और क्या क्या कर रहे हैं। और जब DPRO के यहाँ से दरखास्त ब्लॉक पे गई है तो तब से ग्राम प्रधान जो है तमाम सदस्यों को इधर उधर जो है धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा नाली बंद करवा देंगे, खड़ंजा उतरवा देंगे, घर ढकलवा देंगे, ये सब करके जो है उनको परेशान कर रहे हैं। तो हमारा जो है जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से और CDO महोदय से, पंचायत राज अधिकारी महोदय से निवेदन है कि उनके विरुद्ध जांच कर, ग्राम प्रधान शाहिद अंसारी के विरुद्ध जांच कर
और उचित कार्रवाई करें और उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करें। नहीं, मैं और इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जांच के लिए हमारा विनम्र निवेदन है, तमाम गांव सभा में कोई कार्य भी नहीं हुआ है और जो वहाँ पे काम होना है जनता के हित में जो है उसको जो है देख करके निरीक्षण करके जो है उसको मौके पर करवाने की कृपा की जाए। बताते चलें कि वहीं इस बाबत जब BPRO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी शिकायतकर्ता के द्वारा प्राप्त हुई है और हमारे संज्ञान में है। साथ ही उनका कहना था कि शिकायतकर्ता को हमने ये भी कहा था कि वो इस बाबत जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दें। सदस्य जो है सिग्नेचर कर रहे हैं और उनका आरोप है वो सिग्नेचर मेरा नहीं है, वो फर्जी तरीके से प्रधान और सेक्रेटरी और लेखपाल तीनों एक साथ ही कमरे में बैठ करते हैं। सदस्य के आरोप ये मेरे सिग्नेचर नहीं, तो उन्होंने आपको शिकायत किया, इस संबंध में आपका क्या कहना है? वो हमने अभिलेख मांगा है और अभिलेख आने के बाद उसकी जांच कराई जाएगी कि उसमें एक व्यक्ति की सिग्नेचर मेंबरशिप में हो रही है, मेंबर में जो राम अवतार के नाम से हो रही है, राम बहादुर के नाम से, और राम बहादुर नाम का व्यक्ति ग्राम सभा दादूपुर में नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो गांव का व्यक्ति नहीं है और उसके हस्ताक्षर हो रहे हैं तो वो गलत है। तो कितने दिन में, जैसे 27 जुलाई में शिकायत की गई है और अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई जो है नहीं, वो अभिलेख हम लोगों ने मांगे हैं। कितने दिन में अभिलेख आ जाएंगे? अब लेटर गया हुआ है, सचिव के लिए लेटर हम लोगों ने जारी किया है और उसका रिमाइंडर लिखते हैं, फ़ोन करके भी मंगवाते हैं, जल्दी से जल्दी मंगवाते हैं उसको। तभी हम क्या उम्मीद करेंगे कितने दिन में आ जाएगा? जैसे एक महीना लगभग बीतने वाला है और अभी तक नहीं आया। नहीं, अब गया है, इस दौरान थोड़ा कोविड की भी कार्यालय 2-3 बार कार्यालय भी बंद रहा है इसी दौरान, चूँकि आसपास MI सेक्शन में भी पॉजिटिव निकल आए, उसके बाद RES सेक्शन में भी पॉजिटिव निकल आए, उससे भी जैसे राम बहादुर नाम का व्यक्ति अगर उस ग्राम सभा में नहीं निकलता है क्या कार्रवाई हो सकती है? वो तो पंचायती राज एक्ट के तहत उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल माना जाएगा उसको, तो होना ही नहीं चाहिए भाई। जो व्यक्ति गांव का ही नहीं है उसके तो हस्ताक्षर किसी भी कीमत पर नहीं होने चाहिए। 8-9 लोग जो है 13 सदस्यों में से शपथ पत्र से शिकायत किए हैं, तो अब तक तो प्रधान के खाते को स्विच कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे आरोप लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, शपथ जी सिग्नेचर हो रहे हैं। शपथ पत्र जो दिया उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से दिया है जी, तो उसको मैंने अपने स्तर से मांगा है और जहाँ तक खाता स्विच करने की बात है तो वो प्रॉपर वे में जिलाधिकारी महोदय को शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसी के बाद वो कार्रवाई होती है। तो क्या जो शिकायत करता वो आपने अवगत नहीं कराया कि मेरे बस की बात नहीं है, आप इसको जो है नहीं जिलाधिकारी को दीजिए? उसने कहा आप अपने स्तर से जांच कर लो, इसलिए मैंने अपने स्तर से वो अभिलेख मांगा है। तो अभी 1 महीना हो गया, अभी तक आपको लेवल नहीं? नहीं, 1 महीना नहीं, अब दिया है उसके 27 तारीख को आया। वो ठीक है 27 को, अब उसी दिन जरूरी नहीं कि उसी दिन लेटर चला जाता है, 2-4 दिन ऑफिस में भी लग जाते हैं। 17 तारीख हाँ, तो इस दौरान व्यवस्थाएँ कार्यालय व्यवस्थाएँ तो रहती ही हैं थोड़ी बहुत, तो मांगा है, अभिलेख मांगा है हम लोगों ने। वो तो नहीं, हम अपने स्तर से तो उसकी जांच कर ही रहे हैं, है ना, और जब प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी तो वो फिर भी जिला स्तर जिलाधिकारी स्तर से ही होगी। जिलाधिकारी से मिलना चाहिए भाई, मैंने कहा था शिकायतकर्ता को कहा था कि आप ये जो संबोधन जिला पंचायत राज अधिकारी को किया है वो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करें, लेकिन उसने कहा आप अपने स्तर से जाँच करा लें, तो मैंने कहा ठीक है मैं जाँच करा लेता हूँ।